पूर्णिया नवनिर्माण मंच की ओर से स्थानीय टाउन हॉल में साहित्यकार फणीश्वरनाथ रेणु की जयंती मनाई गई। इस मौके पर कई पुस्तकों का लोकार्पण भी हुआ। कार्यक्रम में जिले के विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित भी किया गया। पूर्णिया से सिटी हलचल के लिए पारस सोना की रिपोर्ट। हमारे साहित्यकार जन्मतिथि को हम इस तरह से समारोह के रूप में मनाते हैं। 99वीं जयंती है और अगली जयंती जो होगी 100वीं होगी उसकी बड़ी तैयारी हम कर रहे हैं। जैसा कि अपने सांसद जी को सुना और काफ़ी सारी तैयारी उनकी तरफ से भी है और चारों तरफ से पॉलिटिकल सामाजिक और जो साहित्यकार हैं सबकी तरफ से मदद मिल रही है कि नहीं बहुत बड़ा कार्यक्रम अगले 100वीं जयंती को हमारा होना चाहिए। पुस्तक का लोकार्पण, पुस्तक का आज लोकार्पण हुआ है जिसका नाम है बातचीत का गौरव और जिसकी प्रति लोगों को दी गई है। और इस पुस्तक की विशेषता ये है कि इस पुस्तक में देश भर के साहित्यकार जिनको बड़ी ख्याति मिली है साहित्य के क्षेत्र में उनकी रचनाएं इसमें प्रकाशित हुई हैं और ये चौथी पुस्तक है जिसका लोकार्पण हमने किया है इस बार। और हर वर्ष हर जन्म जयंती पर हम ये काम करने का सिलसिला जारी रखेंगे। मेरा नाम अरुण विश्वास है और पूर्णिया नवनिर्माण मंच जिनके तत्वावधान में ये समारोह आयोजित हो रहा है उसका मैं सचिव हूँ और ये संस्था वर्ष 2012 से सामाजिक क्षेत्र में काम कर रही है। और धूमधाम से मनाने का काम किया उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ। साथ ही जब अगली वर्ष मनाएंगे हम लोग उनके विकास के लिए उनके जो हिंदी साहित्य है उनको आगे सांसद जी की भावना को हमने सुना प्रतिमा लगाएंगे क्या है वह उसके नाम पे कम्युनिटी हॉल बनाएंगे शैक्षणिक संस्थाओं और हम लोग काम करेंगे।